क्या हया अपने चाल में कामयाब हो पाएगी? क्या मुर्तसिम मीरा को यकीन दिला पाएगा कि वो बेकसूर है? क्या मीरा उसका यकीन कर पाएगी? क्या मरियम जो कहानी नुरेज को सुनाने जा रही है उसके बाद भी नुरेज उसका कबूल करेगा या नहीं? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बगैर कोई टाइम जाया किए शुरू करते हैं। हाय गाइस, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज हम एपिसोड 47 48 को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगले एक दो एपिसोड में क्या होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से क्विक रिकैप कर ले देंगे एपिसोड 46 में क्या हुआ और फिर आगे चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज का एपिसोड जब शुरू हुआ तो दिखाया गया कि जो हमारी मीरब है उसको मुर्तसिम की याद आ रही है। यार मीरब, अपना कोई दिमाग का इलाज कराओ। मतलब जब तुम रेस्टोरेंट में थी तब भी तुम बोल नहीं पा रही थी, तुम रोहेल को साफ साफ कह नहीं पा रही थी कि नहीं मुझे तो मोहब्बत है, वहाँ भी तुम कह दी शायद मोहब्बत हो रही है, और यहाँ भी तुम खड़ी हुई अब सोच रही हो कि मोहब्बत है कि नहीं है। यार क्लियर तो हो जाओ, तुम नकाम हो उसके और तुम अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं कर सकी कि मैंने करना क्या। खैर आगे चलते हैं। हमने ये देखा कि जो हया है वो बाज नहीं आती, हया आवाज नहीं आती, वो चली जाती है मरियम के पास उसको तंग करने कि ये देखा तुम्हारे लिए ज्वेलरी है ये, जिसको वो उठा के कमरे से बाहर फेंकती है और कहती है मैंने कोई शादी नहीं करनी। जब वो उसकी माँ बेगम इस ज्वेलरी को देखती है तो कहती है कि यार ये मेरी बेटी है, ये मेरा ही खून है, ये अपनी ज़िद की बड़ी पक्की है, मैंने तो जाना है। शुक्र है अब आपको एहसास हो गया कि आपकी बेटी ज़िद की बड़ी पक्की है, कल तक तो आप उसको समझा रही थी ऐसे चलना है आपने ऐसे चलना है। खैर अब वो उसकी ज़िद मानने के चक्कर में मीरब को लेने चली जाती है कराची। यार माँ बेगम जब कराची पहुँचती है तो यहाँ पर दो दोगले बंदे हमने देखे हैं। मतलब एक तरफ माँ जो है वो वकील को कहती है तुमने केस ही इतना अच्छा लड़ा है कि अब मुझे उसको वापस लेके जाना ही पड़ेगा। फिर जब मीरब आती है तो वो मीरब को कहती है कि मरियम की जिद के खातिर लेके जा रही हूँ, वरना तुझे नहीं लेके जाना था। यार मतलब उसको अभी कुछ पीछे तुमने कुछ और कहा, अब उसको कुछ और कह रही हो। और दूसरी तरफ एक तो ये दोगलापन, दूसरा दोगलापन हमने इस ड्रामे में ये देखा कि जब मीरब के पास ऑप्शन आती है कि जाना है कि नहीं जाना है, तो वो पहले खड़ी हुई है कि नहीं जाना है, मैं तो नहीं जाना, आप कौन होती है मुझे लेके जाने वाली। लेकिन जब उसका बाप इंटरफेयर करता है कि नहीं जाओगी तुम, तो वो फौरन से मान जाती है कि नहीं 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 मैं तो रेडी हूँ, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो जा रही हूँ। बहुत तेज हो रहा है। हया जो है वो मरियम के पास जाके कहती है कि कोई नहीं आना, तुम्हारी दोस्त ने अत्याश यार आओ। वो स्टेज पे खड़ी हुई खुश हो रही होती है कि यस मीरब नहीं आई, मीरब नहीं आई। तो वहाँ एंट्री हो जाती है हमारी मीरब की। अब यार बहन आ रही है आपकी, स्टेज की तरफ जा रही है, मगर हमारा मुर्तसिम जो है वो पीछे मुंह करके भी नहीं देख रहा कि यार उसकी बहन स्टेज की तरफ जा रही है। मतलब वो आगे ही पता नहीं किसको देख रहा था यार, मतलब आगे खड़े भी कौन थी, किसको देख रहे थे मुर्तसिम तुम। खैर जब पीछे से उसको नॉक नॉक होती है मीरब की, तो उसको लगता है कि यार हया मुझे तंग करी, और वो कहता है हया मुझे तंग मत करो। जिसके ऊपर मीरब नाराज हो जाती है, कहती है कि तुम्हें हया का इंतजार था तो जाओ उसी के पास। और खैर दूसरी तरफ इस एपिसोड में छोटा सीन ये भी दिखाया गया, जो बख्तू है वो दो गार्ड्स को लेके जाता है और वो कुट लगाता है कि यार ये सलाम है तुम्हारा मुर्तसिम खान की तरफ से, और उसका हाथ ही तोड़ देते जैसे। फिर इस ड्रामे के अंदर एक चाल दिखाई जाती है जो हया चलती है। हया एक छोटे से बच्चे को भेजती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने सोचा भी कैसे हया ने कि ये चाल चल जाएगी। मतलब वो दिखा अभी तक तो यही रहे हैं, आगे चलो हम आगे डिस्कस करते हैं क्या दिखा रहे हैं। खैर वो बच्चा आके दिखाता है उसको कागज़, और उस पर लिखा होता है कि यार तुम्हें मीरब जो है वो अंदर बुला गया। वो भागा भागा हमारा भाई अंदर पहुंच जाता है। अभी यार वो एक मिनट पहले तुमसे लड़ रही थी, अब उसने रोमांटिक मैसेज भी तुम्हें भेज दिया। मतलब क्या वो शादी पे कागज़ पेंसिल लेके फिर रही है, और अभी तुमसे लड़के गई है वो रोहेल के ऊपर, अब तुम बिलीव कर बैठे कि यार ये मुझे बुला रही होगी। खैर हमारा बॉय जो है वो दिल में तो यार मोहब्बत रखता है ना, वो भागा भागा पहुंच जाता है कि शायद उसके दिल में कोई नरमी आ गई हो। लेकिन वहां पहुंचता तो हया उसे गले लग जाती है। वो अभी कहने ही लगता है कुछ तो पीछे से हमारी मीरब आ जाती है और कहती है मुर्तसिम ये क्या कर रहे हो तुम, और वो पीछे देखते तो वो हया होती है। मतलब यार वो कागज़ का टुकड़ा दिखा दे मीरब को, लेकिन नहीं वो कहता है कागज़ का टुकड़ा है ही नहीं। और वहाँ पे जो हमारी हया है वो बुत बनी खड़ी है, वो बता ही नहीं रही सच। मुर्तसिम खान चीखता रहता है कि सच बोलो, लेकिन नहीं हमारा बॉय मुर्तसिम जो है वो इस ड्रामे के अंदर शदीद तरीन जलील होगा फिर रहा है। उसको आज चपेड़ भी पड़ती है हमारी जो मीरब है, वो उस पर थूक भी देती है। मतलब यार तू जो मर्जी करती रहे अपनी ज़िंदगी में, तूने क्या क्या नहीं किया इनके साथ, तूने बहन भगा दी इसकी, तूने क्या कहते हैं अपने दोस्त के फ्लैट से बरामद की गई और उसके साथ डेटों पे नज़र आई। मतलब इतने तुम्हारे अलग अलग मसाइल हैं, उसकी माँ से तू हर वक्त लड़ती रहती है, मगर एक सीन जो तूने देख लिया वहाँ पे उसी को हमारे बॉय को पेल दिया और सीधा शक्कर बैठी। हमारा बॉय रो रहा है, उसकी आंखों में नज़र आ रहा है कि वो सच्चा है।
और हमारी मीरब को कोई नजर नहीं आ रहा कि वो सच्चा है। खैर यही कुछ दिखाया आज के एपिसोड में। आगे चल के अब ये होने जा रहा है कि जो मुर्तसिम है वो दरवाज़ा लॉक कर देता है मीरब का ताकि वो कमरे से बाहर ना जा पाए और वो हया को ढूंढने जाता है। अब हया जो है वो भागती हुई पहुंच जाती है स्टेज के ऊपर जहां रुखसती हो रही होती है मरियम की। अब मरियम जा रही होती है, मरियम रुखसती से पहले पूछती है कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी, कहाँ है मीरब? तो वो हया उसे कान में कहती है कि मैं वो रोमांटिक सीन कर रहे हैं कमरे में, तनके तो करने दो, तुम तो निकलो, जिसके ऊपर वो मान जाती है। और जब लड़के की अम्मा नुरेश की अम्मा उससे पूछती है कि यार ठीक है मीर, लड़के की अम्मा मतलब जब नुरेश की अम्मा भी फिर इंटरफेयर करती है, कहती है कि ठीक है मीरब कहीं इधर उधर है, तो भाई का है मतलब सीरियसली यार, बहन की शादी है भाई का। और उस पर हया कह देती है उसको ज़रूरी काम था। यार उसकी जो सास है वो कहती है यार अपनी बहन की शादी से भी कोई ज़रूरी काम हो सकता है? खैर उनकी तो रुखसती हो जाती है और फिर रुखसती होने के बाद मरियम अपने घर जाके अब नुरेश को सब कुछ बता देगी सच सच कि यार देखो ये मेरे साथ हुआ है, और नुरेश उसको कबूल कर लेगा। यार वहाँ तो चलो एक हैप्पी एंडिंग की तरफ स्टोरी जा रही है, मतलब नुरेश उसको एक्सेप्ट कर लेगा बजाय इस सारे मसले को नज़रअंदाज करते हुए कि अनस था, मलिक ज़ुबैर था, क्या क्या मसाइल हुए। लेकिन इस घर में बहुत मसले हो चुके हैं। हमारा जो मुर्तसिम है वो हया को खूब डांटेगा और कहेगा कि यार तुम जाके सच बोलो, और वो उसकी बात नहीं मानेगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि हया इस वक्त क्या सोचे बैठी है, क्या उसको लगता है कि जब इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और मीरब इस घर से चली जाएगी तो मुर्तसिम खान उसको एक्सेप्ट कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा यार, मुर्तसिम खान तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करेगा इस तमाम हरकतों के बाद। खैर वो जाके जो हमारी हया है वो मीरब के पास भी जाएगी और उसको समझाएगी कि यार देखो भूल जाओ मुर्तसिम को, जब तुम्हें उसको और तबाह करना चाहिए तुम भाग जाओ, तुम कराची भाग जाओ। और हमारी जो मीरब है वो एंड पे ये सोचना शुरू कर देगी कि यार इस सब मसले का हल ये कि मुझे भाग जाना चाहिए, और वो भाग जाएगी और वो कराची अपने आप घर वापस नहीं जाएगी कि गुम हो जाएगी, जिसके ऊपर मुर्तसिम खान अब उसको ढूंढने निकलेगा और शदीद परेशान हो जाएगा। मतलब अगले एक दो एपिसोड यही दिखाने जा रहे हैं कि हमारा जो बॉय है वो और जलील होने जा रहा है। अब वो मीरब को ढूंढता रहेगा कि यार मीरब कहाँ गई। आगे जाके ये मुझे लग रहा है कि मलिक ज़ुबैर भी कहीं एक दो एपिसोड में इन्वॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि अभी उसके साथ भी बुरा होना है, उसको मरना है मलिक ज़ुबैर ने। तो मलिक ज़ुबैर जो है वो कहीं मीरब को पकड़ लेगा, जिसके ऊपर हमारा जो मुर्तसिम है वो मलिक ज़ुबैर से मीरब को आज़ाद करवाएगा, और इस सब के अंदर मलिक ज़ुबैर की भी डेथ होनी है और गोली लगनी है हमारे मुर्तसिम को। यस मैं आप सबको ये बताने चाह रहा हूँ कि यस गोली लगनी है इस ड्रामे के अंदर, जिसके ऊपर जो बड़ा इमोशनल सा सीन हो जाएगा और जो हमारी मीरब है उसके दिल में बहुत मोहब्बत जागेगी कि यार ये बंदा मेरी मोहब्बत मेरे खातिर गोली खा सकता है तो इससे अच्छा बंदा मुझे नहीं मिल सकता। और वहाँ पे एक मोहब्बत का आगाज़ होगा मुर्तसिम के अंदर और मीरब की, और हया के सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। तो आप बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दें और सब्सक्राइब माई चैनल। वासिफ रो फिर हाजिर होगा, अल्लाह हाफिज़।